लोगों ने समझ के रखा है कोई भी कभी भी मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करेगा और मैं सह लूंगी। आज जो हुआ वो साई के कारण हुआ, अगर वो मुझे एक बार मिल जाए तो। मैं यहां हूं गोदू भाई। अगर मुझे कोस कर तुम्हें खुशी मिलती है तो जी भर के कोस लो। गोदू भाई, एक बात सच्चे दिल से कहना, पूजा करने के बाद सुकून मिला ना? ऐसा होता है, अपने मन की कड़वाहट भुलाकर किसी की कुशलता की कामना करना, खासकर उसके लिए जो हमसे तन और मन से बहुत दूर हो चुका हो, अपने आप में एक बड़ी बात है। और तुमने ईश्वर से किसी भी कारण से प्रार्थना की हो, ईश्वर से की हुई प्रार्थना का फल तो मिलता ही है गोतु भाई। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? कितनी बार कहा है नहीं चाहिए तुम्हारी सलाह। मैं अपने जीवन के फैसले खुद ले सकती हूँ, क्यों मेरी जिंदगी में दखल दे रहे हो तुम? मैं सिर्फ तुम्हारे बेटे राघव की आंखों में खुशी देखना चाहता हूँ। दुनिया में से बहुत से बच्चे हैं जिनके पिता नहीं होते, उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहते। राघव को बस परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढालने की जरूरत है, ये भी तो कह सकते हो तुम उससे। गोतू भाई, बच्चे हमेशा पुरानी पीढ़ी से एक कदम आगे होते हैं। वो नई पीढ़ी के जो होते हैं उन्हें तजुर्बा भले ही ना हो, लेकिन समझ पुरानी पीढ़ी से अधिक होती है। और राघव भले ही दुनिया को सहमा हुआ प्राणी लगता है, लेकिन वो समझदार प्राणी है। उसे ये समझ है कि पिता का दूर होना और दुनिया में पिता का ना होना, इसमें बहुत अंतर है। जिस बच्चे का पिता इस दुनिया में ना हो, या फिर उसका पिता अच्छा इंसान ना हो, तो बच्चा उसके बिना जीना सीख जाता है। लेकिन जिसके माता पिता बिना किसी ठोस कारण के लड़ते रहते हो या अलग रहते हो, वो बच्चे अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, वो मानसिक तकलीफ में रहते हैं। और मैं नहीं चाहता कि राघव जैसे नेक बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए गोतू भाई, जब तक तुम्हारा फैसला ना बदले मैं कोशिश करता रहूंगा। तुम मुझे डरा रहे हो, इसलिए कहती हो दूर रहो मुझसे और चले जाओ यहां से। मैं ही जाती हूं। तुम गलत रास्ते पे जा रही हो, भटक जाओगी। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम। चांदोरकर साहेब, आप यहां? चक्रनारायण जी,
मैं तुमको एक बड़ी गलती करने से रोकना चाहता हूँ। लोग अक्सर साई को समझने में गलती करते हैं। अगर तुम्हें कोई संदेह है तो हम आपस में बात कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो उसने आपको भेजा है सिफारिश करने के लिए? नहीं नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं यहां पर हूं, बल्कि उन्होंने तो मना किया था। मैं यहां तुम्हारे लिए आया हूं। आज नहीं तो कल तुम्हारी आंखें खुलेंगी ही। जितनी देर करोगे उतना पछतावा होगा। चांदोरकर साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन हैरान हुआ आज ये देखकर कि आप जैसा विद्वान, आप जैसा सुलझा हुआ इंसान भी ऐसे पाखंडी के झांसे में आ चुका है। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुमको। ये जो तुम साई के बारे में अपशब्द बोल रहे हो, ये जो तुम साई के खिलाफ सोच रहे हो, बहुत दुख होगा तुम्हें जब तुम्हें साई की सच्चाई पता चलेगी। ये बात तो आपको समझनी चाहिए चांदोरकर जी। कौन सा फकीर है जो ऐसे पैसे बांटता फिरे? जांच करनी तो बनती। अगर वो निर्दोष है तो निर्दोष सिद्ध हो जाएगा, जिस तरह से आप जैसे लोग उसकी वकालत कर रहे हैं, लगता है बहुत पहुंचा हुआ ठग है जिसने आप जैसे उनकी आंखों में भी धूल झोंकी और अपने संत बने की आड़ में पैसों की कालाबाजारी कर रहा है। तुम मेरे गुरु का अपमान कर रहे हो। और आप मेरे कर्तव्य का, मेरे विवेक का, मेरे निष्पक्ष होने की शपथ का। हुकूमत लोगों की मदद करने के लिए होती है। मैंने भी कानून पढ़ा है। किस कानून में लिखा है कि एक सरकारी आदमी बिना किसी कारण आम आदमी को परेशान कर सकता है? मत भूलो, मैं उम्र में ही नहीं औहदे में भी तुमसे बड़ा हूं। कानूनी तौर पर मैं क्या क्या कर सकता हूं ये तुम अच्छी तरह समझते हो। ठीक है, तो आप अपने ओहदे की ताकत दिखाइए, मैं अपनी ईमानदारी पे लड़ूंगा। एक बात कहूं चांदोरकर साहब, अगर आपका ये साई इतना ही साफ है, पाक है, तो हो जाने दीजिए ना जांच, हो जाने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी, सब सामने आ जाएगा। लेकिन शायद आप भी डरे हुए हैं, कहीं साई की पोल खुल गई तो आप लोगों की आस्था को बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। आप तो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे मैंने कोई लतीफा सुना दिया। साई से घृणा, साई पे संदेह, ये वो मार्ग हैं जो तुम्हें साई के नजदीक ले जाएंगे। साई क्या है इसका अनुभव तुम्हें बहुत शीघ्र होगा। मैं तो कहता हूं कि आप अपने आप को समझाना शुरू कर लीजिए, देर मत कीजिए, वरना साई की सच्चाई से बहुत आहत होंगे आप। जिसके माता पिता बिना किसी ठोस कारण के लड़ते रहते हो या अलग रहते हो, वो बच्चे अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
गलत रास्ते पे जा रही हो, भटक जाओगी। गुस्से और शोक में ना अपना होश रहा ना रास्ते का। किस तरफ है शिरडी, अब मैं क्या करूं? दीजिए। माफ करना, 5 मील दूर से पानी लाई हो, मेरे परिवार के लिए कम पड़ेगा और दोबारा जाकर लाने की हिम्मत नहीं है। भगवान के लिए मेरी मदद कर दीजिए, मैं रास्ता भटक गई हूँ, थोड़ा पानी पिला दीजिए। ये कड़ी ले लीजिए, थोड़ा पानी पिला दीजिए। अब कहीं ऐसा मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं नहीं, मुझे गहने वहने कुछ नहीं चाहिए। एक काम कीजिए, इन कड़ों के साथ साथ ये हार भी रख लो, थोड़ा सा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी। गहनों से आपके परिवार की बहुत मदद हो जाएगी, थोड़ा पानी पिला दीजिए। थोड़ा पानी तो मांग रही है इन गहनों के बदले, हंस के मरे जान निकल गई है। गहनों के लिए अपनी गृहस्थी छोड़ी, आज उनका मोल 2 घूंट पानी के सामने कुछ भी नहीं रहा।
कहां गई ये बात अब महत्वहीन है, लेकिन जाने से पहले महत्वपूर्ण बात समझा गई, इसलिए एक बात गांठ बांध लो। जिंदगी जीते वक्त हमेशा दो सवाल खुद से पूछने चाहिए। पहला, तुम्हारे शरीर की जरूरत क्या है, और दूसरा, तुम्हारी आत्मा की जरूरत क्या है। शांति से सोचोगी तो समझ आएगा, जिन पैसों और आभूषणों के पीछे तुम आज तक दौड़ती आई हो, उनके बिना भी गुजारा हो सकता है, लेकिन तुम जिसे पीछे छोड़ आई हो, उसके बगैर गुजारा नामुमकिन है। आओ गोदू भाई, तुम्हें सही रास्ता दिखा दूं। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। दुबई, हम शिरडी में पहुंच गए हैं, इस रास्ते से जाना, तुम अपने घर जल्दी पहुंच जाओगे, और इस बार भटकना मत। बहुत देर हो गई है, अब तो इस फकीर ने आंखें भी खोल दी है, अब मुझे निकल जाना चाहिए। कहाँ जा रहा है आप? आप प्रवचन के लिए नहीं रुकेंगे? उसमें समय लग सकता है ना। कितनी दूर से आप साई को देखने आए हैं? मेरे विचार से उनसे मिलकर और प्रवचन सुनकर ही जाना। सब लोग अंदर आ जाइए प्रवचन के लिए। ये संकेत है, चलिए। हम जितना हो सके शांतिपूर्ण ढंग से भीड़ को संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर भीड़ बेकाबू होती है तो उसे नियंत्रित करने के लिए अगर सख्त कदम भी उठाना पड़े तो हिचकिचाना मत। ठीक है। आज हर हाल में मुझे इस फकीर को रंगे हाथों पकड़ना है। धन बड़ी अनोखी चीज होती है, अगर ये सही मात्रा में हो और इसका सदुपयोग हो तो ये धन वरदान से कम नहीं है, लेकिन अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए, इसका उपयोग किसी के बुरे के लिए हो या इसे पाने का लालच इंसान में आ जाए,
इंसान की जिंदगी और सोच पे जहर का काम करता है। जो सही नियत से धन कमाता है और अच्छे कर्मों के लिए उसका उपयोग करता है वो सरस, और जो ऐसा नहीं करता उसे राम जी को जवाब देना ही पड़ता है। आप वहां मेरी आवश्यकता पड़ सकती है, तुम्हें जानते हो ना, शिरडी के लोग उस फकीर के दीवाने हैं। तुम्हारा विरोध कर सकते हैं किंतु मेरा नहीं। मेरा विरोध करने का उनमें साहस नहीं है। चलो। धन की जरूरत तो सबको होती है, लेकिन जो धन के लिए अपना ईमान बेच दे उसका धन मिट्टी के बराबर है। ये फकीर बार बार मेरी तरफ क्यों देख रहा है? आओ चकन ना रहे हैं। आओ चकन ना रहे हैं। चांदोरकर जी ने मेरा नाम इसे बताया होगा। बंद करो ये सब, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तुम हो कौन? उस दिन तो चोरी से आए थे पूजा में भंग बनकर, और आज ये सिपाही लेकर आए हो। कोई भैरूपी हो क्या? हाँ, पहले मैं यहाँ अनाधिकृत रूप से अवश्य आया था, लेकिन आज तुम सबके सामने आधिकारिक रूप से एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत से आया हूँ। चक्र नारायण, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ काम से आए हो, लेकिन इस वक्त यहाँ राम जी की सेवा चल रही है और उसे खंडित करना ठीक नहीं है। क्या तुम राम जी की सेवा समाप्त होने तक रुक नहीं सकते? तुम जानबूझकर विलंब कराने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम्हें समय मिल जाए। मैं सब समझता हूं। जब खुद पर बीतती है तो अच्छे अच्छों को राम जी की याद आ जाती है। तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? नाम तो मेरा आपको साई ने बता ही दिया, और काम ब्रिटिश सरकार के खुफिया तंत्र में अदना सा सेवक हूं। यहां सरकारी काम से आया हूं, और आप लोगों की बेहतरी इसी में है कि मेरे काम के बीच में कोई ना आए। हमें सूत्रों से खबर मिली है कि द्वारका माई में अवैध ठंड है।
झूठी खबर मिली है तुम्हें। असंभव है ये, यहाँ आने से कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है मेरे पिताजी ने ही कुछ किया है, जरूर इसमें उनकी कोई चाल है। हमें तलाशी लेनी है इस जगह की। ऐसे कैसे ले सकते हैं तलाशी? कुछ बोलो तुम साईं। बिल्कुल गलत है ये। शांत हो जाइए। एकदम शांत हो जाओ। साईं अपने चेलों से कह दो कि शांत हो जाएं। अगर हम अपने तरीके पर आ गए तो जो तरीका अपनाना है अपनाइए, लेकिन हम किसी भी सूरत में आपको यहां की तलाशी लेने नहीं देंगे। यहां कोई काला धन नहीं है। अगर नहीं है तो फिर तो यहां की तलाशी लेने में आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हरिओम। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। इन्हें पता है कि साई ने यहां कुछ तो छुपा के रखा है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं, तुम्हें रोक रहे हैं। इसे भगवान मानते हो ना तुम सब? तो क्या इतना भी भरोसा नहीं है अपने भगवान पर? यदि भरोसा है तो करने दो इन्हें छानबीन। ये हमारे साईं का अपमान है। नहीं पाटिल जी, मैं जानता हूं चक्रनारायण सिर्फ अपना काम कर रहा है, ये सिर्फ सत्य तक पहुंचना चाहता है, और मैं इस जैसे ईमानदार व्यक्ति का सम्मान करता हूं, इसीलिए इसे यहां तलाशी लेने से कोई नहीं रोकेगा। और वैसे भी बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जब कर नहीं तो डर कैसा। आप सब लोग बाहर जाइए, इसे तलाशी लेने दीजिए। तलाशी लो हर जगह की। चक्रनारायण, ये देखो ये पोटली मिली है।
क्या ये आप में से किसी की है? ये पोटली तो मेरी है। क्या है इसमें? मेरा धन है, खोल कर खुद देख लो। वो तो मैं देखूंगा ही। तुमने तो कहा था इसमें धन है। हाँ, यही मेरा धन है, मिट्टी और खाद पौधे के लिए। तुमने क्या सोचा कि मैं पैसे छिपा रहा हूं? ये मिट्टी हम कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? धन इंसान की जिंदगी में प्राणवायु की तरह होता है, और ये पौधों की जिंदगी में जो
झूठ बोल रही है फकीर। इस पोटली में खाद हो ही नहीं सकती। नहीं नहीं, मैंने क्या कुलकर्णी सरकार, और क्यों नहीं हो सकती खाद? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस पोटली में रखे पैसे मिट्टी कैसे हो गए? हो ना हो, ये फकीर की चाल है। चक्र नारायण, तुम क्यों रुक गए हो? ढूंढो ढूंढो, यहीं कहीं वो काला धन छुपा के रखा होगा। सब जगह देख लिया कुलकर्णी सरकार, कहीं कुछ नहीं मिला। इस बार भी हरिओम, मैंने अपनी कमाई के 1,000 रुपए रखे थे इस पोटली में, कहां छुपा रखा है इस फकीर ने? क्या ये मेरे 1,000 रुपए बचा गया? चक्र नारायण, अगर तुम्हारी तलाशी हो गई हो तो क्या हम राम जी की सेवा आरंभ करें? प्रवचन अधूरा रह गया था, उसे पूरा करते हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। चलिए, इतनी देर तो कभी लगती नहीं है इसे। गोदू बेटी, कहां चली गई थी तुम? हमें बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। जब उसने रहा नहीं किया तो मैंने राघव को भेजा तुम्हें ढूंढने। क्या बात है बेटी, बहुत परेशान लग रही हो तुम। बैठ जाओ, बहुत थकी हुई लग रही हो, संभाल के। बैठ जाओ। अब बताओ बेटी, क्या बात है? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ बेटा। कुछ मत पूछिए बाबा, बस थोड़ी देर अपनी गोद में मुझे लेटने दीजिए। हाँ, बहुत थक गई, सुकून चाहती। कर्तव्य, तंग आ गई हूँ इन शब्दों से। आपके इन शब्दों को गूंथ कर 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है, लेकिन वो सब नहीं मिलता है जिससे जिंदगी जिंदगी बनती है। आपको इन सब की आदत होगी लेकिन मुझे नहीं है।
मुझे गहने, अच्छे कपड़े और जीवन के सभी ऐशो आराम की आदत है। मैं नहीं जी सकती आपके इन सिद्धांतों के साथ। राम जी भला कर। क्या हुआ भुजन, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? आप मेरा नाम भी जानते हैं सर। साई, मुझे माफ कर दीजिए सर, वो पोटली में ही लेकर आया था आपको फंसाने के लिए किसी के कहने पर। आप ये जानते थे, फिर भी सबके सामने आपने उस पोटली को अपना बताकर मुझे बचा लिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया साई। पश्चाताप हर पाप को धो देता है भुजन। मैं तुमसे नाराज नहीं, लेकिन एक वादा करो मुझसे, किसी भी हाल में इस गलती को दोहराओगे नहीं। पैसों की लालच में किसी को फंसाने का काम नहीं करोगे। सही, पैसों की जरूरत और लालच दोनों के चक्कर में आके मैं बह गया था साईं। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा साईं, कभी नहीं करूंगा। बस इसी तरह राम जी सबको सही रास्ता दिखाते रहे, और क्या चाहिए। करनी तसल्ली चकना है, द्वारका माई में क्या हुआ मैं नहीं जानता, पर तुम्हारी शक्ल देख के अंदाजा जरूर लगा सकता हूं। अभी भी वक्त है चक्रनारायण, इसी को अनुभूति समझो और साईं के चरणों में लीन हो जाओ। उनसे माफी मांग लो, उनकी शरण में चले जाओ, तुम्हारी सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। मुझे अपनी उलझनें स्वीकार। तुम्हें देखकर मुझे अपनी याद आती है, एक समय में मेरा व्यवहार भी तुम्हारे जैसा था। लेकिन हम चाहे जितने भी जतन कर लें, होता वही है जो साईं चाहते हैं। मुझे लगता है ये फकीर बस कुल करनी सर, बस और दलीलें पेश मत कीजिए। अब तक आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, सिर्फ और सिर्फ नाकामी मिली उसमें। चक्र नारायण, इस भाषा में मुझसे बात करने की भूल मत करो। तो क्या कर लोगे?
क्या करोगे? शिकायत करोगी मेरी? जाओ जाके करो शिकायत, करो, डरता नहीं मैं किसी से भी। वैसे भी अब एक ही दिन बचा है मेरे पास, तो मुझे किसी भी शिकायत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुन लीजिए कुलकर्णी सरकार, मैं कल के कल उस फकीर का पर्दाफाश करके रहूंगा, और वो भी अकेले। चक्र नारायण, इस भाषा में मुझसे बात करने की भूल मत करो। तो क्या कर लोगे? क्या करोगे? शिकायत करोगी मेरी? जाओ जाके करो शिकायत, करो, डरता नहीं मैं किसी से भी। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सच्चाई को सामने लाने के लिए कर रहा हूं। अगर उस फकीर को बेनकाब करने में मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तो इस काम को जारी रखने में मुझे आपके साथ की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी करूंगा अपने बलबूते पर करूंगा, अपने हिसाब से करूंगा, खुद करूंगा। नहीं चाहिए मुझे किसी की भी सलाह, और खास तौर पर आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम, मेरे बिना कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ठीक है, कम से कम आपके बेसिर पैर के सुझावों और झूठी खबरों के कारण मुझे बार बार शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा। हरिओम। चक्रनारायण, मुझे लगता है कि हमें यह काम यहीं बंद कर देना चाहिए। अगर साईं के पास कुछ मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता। हो सकता है साईं निर्दोष हो। नहीं, कोई आम आदमी इतना पैसा कैसे बांट सकता है? फकीर निश्चित रूप से कोई अवैध काम कर रहा है, और जब तक मैं इस बात की तह तक नहीं पहुंच जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं जानती थी साईं को दोषी सिद्ध करने की कोशिश बेकार है। क्या तुझे अभी तक साईं के चमत्कारों से उनकी शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा? आज के जमाने में भी तुम लोग अनुभूति को, शक्ति को मानते हो? मां, जिसे तुम चमत्कार समझती हो मैं उसे चालाकी कहता हूं। बेटा, आस्था और भक्ति भी तो कोई चीज होती है। माँ, आस्था और अंधविश्वास में फर्क होता है। लोगों के भोलेपन के कारण तुम्हारे साईं जैसे लोग उनकी श्रद्धा का फायदा उठाते हैं। ये कलयुग है माँ, कलयुग। पैसे पेड़ों पर नहीं लगते हैं, जिसके पास पैसा होता है वही बांट सकता है। चल, मान ली तेरी बात, पर साईं पैसे बांट ही रहे हैं ना, छुपा कर तो नहीं रख रहे हैं, खुद पर खर्चा तो नहीं कर रहे ना? फिर यही प्रश्न तो मेरा भी है, वो शख्स ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि कोई भी इंसान दान में इतना पैसा तभी दे सकता है जब उसके पास या तो बहुत अधिक पैसा हो, या फिर वो किसी मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहता हो। और तुम्हारा साईं यही कर रहा है, लोगों को पैसा दान दे देकर, दान दे देकर खुद को महान साबित करना चाहता है, ताकि उस पर किसी को शक ना हो और उसका अपना कमाया हुआ काला धन सुरक्षित रह सके। अपनी आंखों पर तुमने खुद पट्टी बांध ली है, पता नहीं वो कब खुलेगी। इतने दिनों से तुम पीछे पड़े हो साई के, लेकिन तुम्हारी तहकीकात इस एक बात से आगे नहीं बढ़ पाई है कि साई अपनी जेब से पैसे निकाल कर लोगों को देते हैं। क्या हुआ माँ? तुम नहीं जानती, अनजाने में सही तुमने मुझे सच सामने लाने का तरीका बता दिया। बस कल शाम होते होते मैं साईं का पर्दाफाश कर दूंगा।
लेकिन साईं, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो तो हम अपने आप को कैसे रोकें? ये हमसे नहीं होगा। तुम एक बात क्यों भूल जाते हो नाना? राम जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, इसमें भी किसी का भला ही होगा। अजूबा, क्या हुआ? जल्दी चलिए, आई उन्हें। साईं, साईं, साईं। बुधु भाई, ये क्या हो गया तुम्हें? और उस फकीर का नाम क्यों ले रही हो? साईं, भाई को बहुत बुखार है आजुबा, शायद साईं की जरूरत है। चुप नालायक, ये सब उसी फकीर के कारण हो रहा है। पता नहीं क्या काला जादू कर दिया उसने मेरी बेटी पर, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। साईं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। चुप, उस फकीर के नाम की माला जपना बंद कर और जाके कुलकर्णी सरकार को बुला कर ला, वो ही ठीक कर सकते हैं इसे। अब ऐसा और कोई नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। जाओ, तू क्या देख रहा है? जाओ। साईं, साईं, मैं छोड़ूंगा नहीं तू, अपनी बेटी की इस हालत का बदला लेकर रहूंगा मैं। केशव, क्या हुआ? काकी, ऐसा लगता है साईं किसी बात को लेकर बहुत चिंतित है। हरि ओम। सरकार, देखिए, एक तो मेरी बेटी को तेज बुखार है, ऊपर से अनाप शनाप बोले जा रही है, इसका इलाज कर दीजिए सरकार। चिंता मत करो गंगाराम, आ गया हूं ना मैं। साईं, 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 ओम। ये क्या गंगाराम, तुम्हारी बेटी उस फकीर का नाम क्यों ले रही है बार बार? पता नहीं सरकार, ये तो उससे नफरत करती थी। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, ठीक कर दीजिए इसे। उस फकीर का नाम लेने वाले को तो मैं हाथ भी नहीं लगाता। पहले इसे कहो कि उस फकीर का नाम लेना बंद कर दे। गोदू भाई, मत ले उसका नाम, अपने मुंह बंद करके रख। हरि ओम। तुमने मुझे क्या उस फकीर का जाप सुनने के लिए यहाँ बुलाया है? अब तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। हरि ओम। ऐसा मत कीजिए, इसका इलाज कीजिए, मेरी बेटी उस फकीर की भक्त नहीं है। ये जरूर उस फकीर का काला जादू है जो इसके सर चढ़ के बोल रहा है। मैं वैद्य हूं, तांत्रिक नहीं, और तुम्हारी बेटी की जो स्थिति है उसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता।
साईं। उस फकीर का नाम लेने वालों की बीमारी भी अजीब है। उनका ना कोई लक्षण होता है ना कोई इलाज। साईं। अब तुम्हारी बेटी तुम्हारे हाथ से गई। हरिओम। सरकार, सरकार। देखा, वो खर बढ़ता जा रहा है आजोबा। बड़ा भरोसा था आपको कुलकर्णी सरकार पे। वो तो अपने हाथ खड़े करके चल दिए। मेरी मानिए, साईं को बुला लीजिए, वही ठीक कर सकते हैं उन्हें। हरगिज नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन उस फकीर को इस घर में नहीं घुसने दूंगा। लेकिन मैं अपनी आई को इस हालत में नहीं छोड़ सकता। आप नहीं कहेंगे, मैं फिर भी जाऊंगा उन्हें बुलाने। राघव, राघव। साईं। कोई बहुत तकलीफ में है बाईजाम। और हम प्रार्थना के सिवा और कुछ नहीं कर सकते कि उसे सही रास्ते पर चलने की हिम्मत मिले। चक्रनारायण, अनुमति मैं तुमको दे दे, लेकिन क्या तुम वाकई में ऐसा करना चाहते हो? जी सर, अब बस यही एक रास्ता बचा है। मैं उसे ऐसे वक्त पकड़ना चाहता हूँ जब वो सतर्क ना हो। एक बार फिर सोच लो। मैंने साय के बारे में लोगों से पता करवाया। उसके चेले लोग काफी बड़े बड़े पद पे हैं, और वो लोग उसको बहुत मानता है और सम्मान भी देता है। उसके साथ ऐसा करने पर वो लोग भड़क सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं। अगर हम साय के खिलाफ कार्रवाई ना करें तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। भोले भाले लोगों की मदद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई अवैध काम ना हो इसके लिए तुम नौकरी करते हैं। कायदा कानून सबके लिए समान है साहब। और रही बात उसके भड़काने वालों की, वो तो कल भी हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। हम कुछ लोगों को खुद पर हावी नहीं होने दे सकते। मुट्ठी भर लोग हमें डरा नहीं सकते। इस फकीर को हम कानून नहीं तोड़ने दे सकते। इसीलिए मैंने आपसे आखिरी मौका मांगा है साईं। अगर इस बार मैं इस फकीर को गलत और खुद को सही साबित नहीं कर पाया तो मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है, अगर तुमको अपने आप पे इतना भरोसा है तो गो अहेड, आगे बढ़ो। धन्यवाद साहब। साईं, बहुत हो गया तुम्हारा छल कपट, अब उसका अंत करने मैं आ रहा हूं। इस बार या तो तुम नहीं या मैं नहीं। क्या हुआ राघव? आई आई का पूरा बदन बुखार से तप रहा है। आजोबा ने बुलाया था कुलकर्णी सरकार को। जब वो आए तो आई बेहोशी की हालत में बार बार आपका नाम लिए जा रही थी। इसलिए कुलकर्णी सरकार गुस्सा होकर वहां से आई को बिना देखे चले गए। मैं सिर्फ आप पे भरोसा करता हूँ साई। चलिए मेरे साथ, चल के उन्हें ठीक कर दीजिए।
कहीं चलिए ना मेरे साथ। राघव, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूं। साईं, क्या हुआ? तुम मना क्यों कर रहे हो? आपका दिल तो मोम से भी नरम है, तो फिर आपको राघव को देख के दया नहीं आ रही? साईं, मैं आजोबा से झगड़ कर आया हूं कि मैं आपको लेकर ही आऊंगा, अगर आप नहीं आएंगे तो मेरी आई कुछ नहीं होगा। गोदू भाई को तुम उसे ठीक देखना चाहते हो ना राघव, तो तुम्हें उसे लेकर द्वारका माई आना होगा। लेकिन वो इस हालत में नहीं कि मैं उन्हें यहां ला सकूं, वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती हैं। वो आएगी राघव, इच्छा शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तुमने कहा ना वो मेरा नाम ले रही है, तो जाकर कहो अपनी आई से मैंने उसे बुलाया है, वो जरूर आएगी। हमें जल्दी पहुंचना होगा इससे पहले कि वो फकीर कहीं निकल जाए। नहीं गौतम, इस बार वो फकीर हमसे बच नहीं पाएगा। ये तो वही आदमी है, लगता है फिर से साईं के खिलाफ कुछ करने आया है। हमें फौरन लोगों को सतर्क करना चाहिए। हाँ। जाओ। साईं, अगर आप कहें तो मैं और केशव जाकर राघव की मदद करें। नहीं नाना, मैं जानता हूं तुम्हारे इरादे नेक हैं, लेकिन कुछ फासले इंसान को खुद ही तय करने पड़ते हैं। परेशान मत हो, आ जाएगी गोतू भाई। साहिब, मैं जानती हूं बायदा आपका ने जो कहा वो सच है, आपकी हर बात के पीछे कोई कारण होता है, लेकिन इतने बुखार में गोदू भाई को यहां बुलाने के पीछे भला क्या कारण हो सकता है? और क्या कारण हो सकता है उसके नहीं आने का? इससे साबित होता है कि उस फकीर ने ही तेरी आई पे काला जादू किया है, इसीलिए तो इलाज करने से मना कर रहा है। साई ने इलाज करने से मना नहीं किया अजोबा, उन्होंने आई को वहां बुलाया है। अपनी बेटी को इस हालत में मैं उस फकीर के पास नहीं जाने दे सकता। मैं नगर ले जाऊंगा गोदू भाई को और वहां अंग्रेजी वैद्य से उसका इलाज कराऊंगा। ना तो उस फकीर के पास जाने की इसकी हालत है और ना इसे उसकी जरूरत है। भाई, मैं जानता हूं तुम्हें साईं के पास जाना है, कोशिश करो भाई। साईं ने कहा है तुम बिस्तर से उठ सकती हो, उनके पास आ सकती हो। वो ढीठ हो गए हो तुम। तुम्हें मालूम है ना मुझे पसंद नहीं है कि यहाँ पे साईं का नाम लिया जाए। क्या मिल गया आपको इस ईमानदारी से? अपनी पत्नी को भी खुश नहीं रख पाते आप। अरे अगर ऐसे गरीबी में ही रहना था तो शादी क्यों की, वो भी इतने बड़े घर की बेटी से। हर हफ्ते नई रेशमी साड़ी, हर महीने नए महंगे गहने खरीदने की आदत है मुझे, लेकिन आपके साथ रह के तो मेरी किस्मत ही फूट गई है। आपके इस स्वभाव की वजह से मेरी जवानी तो ऐसे ही बीत गई। कम से कम बुढ़ापे में तो थोड़ी बहुत ऐशो आराम दे दीजिए।
अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। आज ही आपको फैसला करना होगा कि आपके लिए क्या जरूरी है, मैं या आपका ईमान। खुशकिस्मतों को मौका मिलता है बिना कुछ किए इतना पैसा कमाने का। अगर आप ऊपर का पैसा नहीं ले सकते तो मैं भी यहाँ एक पल नहीं रह सकती। राघव को लेके आज ही चली जाऊंगी और आप हमें दोबारा नहीं देख पाएंगे। गोदू भाई, जब मन खुश ना हो तो तन स्वस्थ कैसे रह सकता है? जब मन में बेचैनी भरी हो तो वो शरीर में दिखाई देती है। तुम अपनी बेचैनी से निजात चाहती हो ना? यही सोच रही हो ना कि ये पुरानी बातें जिन्हें तुम भुलाना चाहती हो बार बार तुम्हारे सामने क्यों आ रही है? ये रामजी का तरीका है तुम्हें आईना दिखाने का। अगर तुम चाहती हो कि ये बातें तुम्हें दिखनी बंद हो जाए, ये बेचैनी चली जाए, तो उठो और मेरे पास चली आओ। तुम्हारे सारे सवालों का, सारी बेचैनी का जवाब मिलेगा तुम्हें। मेरे पास आने के लिए तुम्हें जो शक्ति चाहिए वो तुम्हारे अंदर है गोदू भाई। राम जी भला करें। मेरे साईं, जो बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप कुलकर्णी सरकार के बदले साई की शरण में होते तो शायद। माना कि कुलकर्णी सरकार ने हमारी मदद नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाके उस फकीर के पैरों में गिर जाऊं। मेरा फैसला अटल है, ना तो मैं उस फकीर के पास जाऊंगा ना गोदू भाई जाएगी। मैं जाऊंगी बाबा।